साथियों अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं, मासिक मेंबरशिप लेकर द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। कोरोना महामारी के बीच भी मनु पालिका बहुजनों के खिलाफ फैसले देने से बाज नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि 50% से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी जा सकती। दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार ने साल 2000 में एक आदेश दिया था। आंध्र सरकार ने 20 साल पहले अधिसूचित क्षेत्रों के स्कूलों की शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जनजातियों को 100% आरक्षण देने का फैसला किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कह दिया कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये टिप्पणी करने वाली उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यों वाली पीठ में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत शरण, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल थे। बेंच ने कहा, एक समय के बाद आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए और उसमें बदलते सामाजिक आर्थिक हालातों के हिसाब से बदलाव किया जाना चाहिए। अब आरक्षित श्रेणी में भी आवाज उठ रही है। अब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं। ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि ये संपन्न लोग अपने समुदाय के बाकी लोगों को आरक्षण का फायदा नहीं मिलने दे रहे। अगर जस्टिस अरुण मिश्रा की ये बात मान भी लें कि अगर SC/ST के संपन्न लोग अपने ही वर्ग के कमजोर लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं लेने दे रहे, तो फिर मिलोर्ड आपके इसी तर्क से बताइए कि फिर शक्तिशाली ब्राह्मण बहुजनों को कैसे नौकरी मिलने देंगे। बिना आरक्षण के तो मनुवादी बहुजनों को ना ही कॉलेज की सीढ़ी पर चढ़ने देंगे और ना ही दफ्तर की कुर्सी पर बैठने देंगे। अब न्यायपालिका को ही ले लीजिए मिलोर्ड, आपके यहाँ आरक्षण लागू नहीं है और नतीजा आपके सामने है। जिन 70 सालों की आप दुहाई दे रहे हैं, उन 70 सालों में मात्र एक दलित चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठा है। आज भी आपके सुप्रीम कोर्ट में 33 जजों के गुट में सिर्फ एक दलित जज है, जिसे पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर ने तमाम मौकों पर कहा है कि भारत में न्यायाधीशों का फैसला उनके जातीय चरित्र के मुताबिक होता है। बंबई विधानसभा में ग्राम पंचायत विधेयक पेश करते हुए चर्चा के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यदि मेरे माननीय मित्र मुझे विश्वास दिला दें कि वर्तमान न्यायपालिका में सांप्रदायिक आधार पर पक्षपात नहीं होता है और एक ब्राह्मण न्यायाधीश जब ब्राह्मणवादी और गैर ब्राह्मण प्रतिवादी के बीच निर्णय देने बैठता है तो वो केवल न्यायाधीश के रूप में फैसला करता है, तो शायद मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करूंगा। मैं जानता हूं कि हमारे यहां न्यायपालिका किस प्रकार की है। अगर सदन के मेंबर्स में धैर्य है तो मैं अनेक ऐसी कहानियां सुना सकता हूं कि न्यायपालिका ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया और अनैतिकता बरती। इसलिए मिलोर्ड ब्राह्मण बनाम बहुजन हित टकराव के केस में ब्राह्मण कभी जज नहीं होता, हमेशा पार्टी ही होता है। उसे फैसले का अधिकार देना न्याय की हत्या करने जैसा ही है। उसके फैसले बहुसंख्यक समाज के लिए वैसे ही अपमान का निशान है जैसे मनुस्मृति के विधान। मतलब एक आदमी जो खुद उसी वर्ग से है जिसने केस फाइल किया है, क्या वो अपने समाज से प्रभावित नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। सवाल है कि एक ब्राह्मण अकेले बहुजन आरक्षण पर फैसला कैसे तय कर सकता है, जबकि यहाँ सीधे सीधे ब्राह्मणों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शामिल हैं। क्या बहुजनों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है कि बहुजन हितों से जुड़े मामलों में बहुजन जज या कम से कम 2/3 निष्पक्ष जज भी हों? 3 तलाक और राम मंदिर फैसले में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर एक मुस्लिम जज अनिवार्य करने वाले देश में 85% बहुजनों के अधिकार पर फैसला करने के लिए हमेशा एक विशुद्ध ब्राह्मण जज की टीम क्यों तैयार की जाती है? क्या बहुजन गुलाम है जिनको भीख दी जा रही है और उन्हें जज करने के लिए बराबरी का अधिकार नहीं दिया जा सकता? आरक्षण के फैसलों में बहुजन जज या तटस्थ बेंच क्यों नहीं है? हम ये फैसला क्यों स्वीकार करें? क्या हमारा कोई स्वाभिमान या अस्तित्व नहीं है? मिलोर्ड, अगर 50% आरक्षण की सीमा तय है तो फिर सवर्णों को 10% आरक्षण पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? न्यायाधीशों का एक वर्ग चरित्र है। संभवतः यही वजह है कि जब नरेंद्र मोदी सरकार ने सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की और वो 50% आरक्षण के दायरों को पार कर गया, तो भारत के किसी भी न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश ने उस पर एक दिन के लिए भी रोक नहीं लगाई। रोक लगाना तो दूर की बात है, किसी न्यायाधीश ने सरकार से ये सवाल पूछना भी मुनासिब नहीं समझा कि सवर्णों को 10% आरक्षण देने और OBC को आरक्षण देने में एक समान क्रिमी लेयर की शर्त है तो दोनों में किस तरह का अंतर है और अलग से आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने की क्या जरूरत है।
सवाल 50% से ज्यादा आरक्षण का नहीं नियत का है। तमिलनाडु सहित कई राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण है। संविधान ने विधायिका को अधिकार दिया है कि अगर कोई तबका विकास की धारा से वंचित रह गया है तो उसे विशेष सुविधाएं देकर मुख्य धारा में लाया जाए। संविधान निर्माताओं का मकसद था कि इस देश की 100% आबादी इस देश को अपना समझे, उसे ये न लगे कि इस देश में एक वर्ग विशेष का शासन है, जैसा कि पहले भारत में था, और इसकी वजह से एक वर्ग को लंबी गुलामी और अत्याचार झेलना पड़ा। संविधान निर्माताओं की सोच थी कि 100% आबादी इस देश के विकास में भागीदारी करे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करे, लेकिन न्यायपालिका इसमें सबसे बड़ी रुकावट साबित हो रही है। एक तो न्यायपालिका का मनुवादी चरित्र और दूसरा संघीय सरकार द्वारा इनाम देने का चलन, चाहे SC/ST एक्ट को कमजोर करने वाले जज UU ललित को NGT का अध्यक्ष बनाना हो या फिर राम मंदिर का फैसला देने वाले जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजना, एक सोची समझी रणनीति के तहत बहुजनों के खिलाफ फैसले दिए जा रहे हैं। इसलिए जब तक न्यायपालिका में आरक्षण लागू नहीं होता और बहुजनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तब तक न्याय के मंदिर के पुरोहितों से न्याय की उम्मीद कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।